बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं आपके साथ मंदी की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत मजे की लगती है। मंदी की चटनी के साथ ही बहुत मजा आता है मंदी का। चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। सिंपल चीजें हैं। धनिया यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप, चॉप कर लिया बड़ा बड़ा। 2 टमाटर ले लिए हैं, सीड्स भी इसके निकाल लिए हैं और उसको पील भी कर लिया था, इसके छिलके उतार के, इसके सीड्स निकाल के इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये 2 मीडियम है। हरी मिर्चें मैंने 2 ले ली हैं, उसको मैंने, उसके डंडल मैंने काट लिए हैं। लहसुन के जवे, देसी लहसुन है, यही यूज करिएगा, टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा इससे। 2 से 3 आप जवे ले लें लहसुन के। यहाँ पे मैंने ले लिया है जीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट। अगर सॉल्ट आप लोग ज्यादा लेते हैं तो आप भरा भी सकते हैं, और अगर कम लेते हैं तो कम भी कर सकते हैं टू टेस्ट। और यहाँ पे लेमन जूस 1 टेबल स्पून। अब ये रेसिपी शुरू करते हैं। अब मैं जो है वो तमाम जो चीजें मैंने आपको दिखाई थी उनको मैं ब्लेंड करूंगी। मैं इस जग के अंदर इसको ब्लेंड करूंगी। आप किसी के अंदर भी, जो ब्लेंडर्स होते हैं उसके अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं। टोमेटोस, धनिया, लहसुन, हरी मिर्चें, लेमन जूस। अब मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पीस लूंगी। जीरा पाउडर ये भी ऐड कर दूंगी, और जो सॉल्ट है ये भी ऐड कर दूंगी। पहले मैंने ऐड कर दिए हैं जीरा और नमक। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब ये चटनी रेडी हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूंगी और इसको सर्व करके आपको दिखाऊंगी। मंदी की चटनी रेडी हो गई है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसी लगी है। मंदी की रेसिपी भी स्क्रीन पे आपकी आ रही होगी, उसको भी आप ट्राई करिएगा और उसके साथ ये चटनी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा।